पंचायत सचिव बोहरा निकला 420। करोड़ों की बेशकीमती भूमि को कागजों में हेरा फेरी कर लगाया ठिकाने। करवाएंगे बोहरा के खिलाफ 420 का प्रकरण दर्ज। देखिए कैसे पैसे रुपयों के बलबूते भू माफियाओं द्वारा किया जा रहा था भूमि रजिस्ट्रेशन का फर्जीवाड़ा। संस्कार दर्शन की इस स्पेशल रिपोर्ट में। पूर्व पंचायत सचिव बोहरा निकला 420। बेशकीमती भूमि को फर्जी प्रमाण पत्र एवं नामांतरण करवाकर भूमि को लगाया ठिकाने। सीएमओ यादव दर्ज करवाएंगे सचिव के खिलाफ 420 का प्रकरण। गरुड़ भानपुरा क्षेत्र में वर्तमान में फर्जी रजिस्ट्री एवं नामांतरण करने का मामला जोर शोर से चल रहा है। आए दिन ऐसे मामले देखने में और सुनने में आ रहे हैं, जिसमें रुपए पैसे के बलबूते भू माफियाओं द्वारा फर्जी रजिस्ट्री का खेल खेला जा रहा है। नगर परिषद बेसोदा मंडी का गठन 2 जुलाई 2020 को किए जाने के बाद भी 20 नवंबर 2020 को ग्राम पंचायत के पूर्व सचिव ईश्वर बोहरा अपने पद का दुरुपयोग कर जमकर मलाई चाटने का काम कर रहा है। इसके पहले यह ग्राम पंचायत के रूप में तब्दील थी। जैसे ही नगर परिषद अस्तित्व में आई और इस पंचायत सचिव ईश्वर बोहरा के काले कारनामों की परत दर परत खुलकर सामने आई। भेसोदा मंडी पुलिस चौकी से लगी सर्वे नंबर 2315। करोड़ों की भूमि में फर्जी तरीके से दस्तावेज हेरा फेरी कर प्रमाण पत्र नामांतरण करवा दिया गया। इसकी शिकायत होने पर तात्कालिक एसडीएम आरपी वर्मा और तहसीलदार राकेश यादव ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच करवाई। जांच में पाया गया कि पंचायत सचिव ने अपने पद का दुरुपयोग कर करोड़ों की भूमि को ठिकाने लगाने का काम किया है और जमकर मलाई चाटी है। जांच सही पाए जाने पर अपने अधिकार से बाहर कार्य करने एवं फर्जी तरीके से नामांतरण करने के दोषी पाए जाने पर पंचायत सचिव ईश्वर बोहरा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश तहसीलदार राकेश यादव ने सीएमओ नगर परिषद बेसोदा मंडी सुरेश यादव को पुलिस थाना भानपुरा में दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। तहसीलदार यादव द्वारा दिए गए निर्देशानुसार सीएमओ यादव द्वारा अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करते हुए आज शासकीय भूमि पर अवैध रूप से किए गए खरीद फरोख्त की भूमि सर्वे नंबर 2315 शासकीय आबादी रकबा 0.340 प्रशासन द्वारा अपने कब्जे में लिया गया और भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने की कार्रवाई की गई है।